अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ड्रमस्टिक दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी सेगट की फली जो होती है उसकी दाल की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने मसूर की दाल और मूंग की दाल ली हूँ। इसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर 15 मिनट के लिए भिगा कर रख दी थी। भिगा कर रखने से दाल जल्दी पकती है। इसके बाद मैं इसे कुकर में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ और फिर इसमें जाएगा 2 टमाटर, 1/2 प्याज और 4 हरी मिर्च। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी। और फिर हमें कुकर के लिड को बंद करके इसे 3 सीटी में पकाना है। तो 3 सीटी हो जाने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरीके से गल जाएगी। इसके बाद हम ड्रमस्टिक को यानी सेगट की फली को अच्छी तरीके से साफ़ करके उसे वॉश कर लेंगे और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप भी ज़रूर खाया करें इसे। ड्रमस्टिक ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें इमली का पानी ऐड करूंगी। मैंने थोड़ी सी इमली भिगा कर रखी थी, उसका पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए कुक करना है। और हमारी ड्रमस्टिक कुक हो चुकी है। अब मैं एक बर्तन गरम करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और 1 बारीक चॉप किया हुआ कांदा ऐड कर दूंगी। कांदे को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ सूखे मसाले, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी भून लेंगे। हम गैस की फ्लेम को फास्ट पर रखकर ही हमें इसे भूनना है। जब मसालों में से ऑयल अलग होने लगेगा तो मैं इसमें हमारी कुक की हुई दाल ऐड कर दूंगी। दाल ऐड करने के बाद हमें इसे बॉईल आने तक पकाना है और फिर ऊपर से चॉप की हुई कोथमीर ऐड कर देंगे। और अब हम दाल को बघारने का प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ली हूँ, इसमें मैं बारीक चॉप किए हुए लहसुन ऐड करूँगी। मैंने 5 से 6 कली लहसुन की ली थी, बड़ी वाली। तो लहसुन को हम ऐड करके उसे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। फ्लेम को आप स्लो पर ही रखा करें बघारने के टाइम, जब आप चीज़ें ऐड करते हो पैन में। तो इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून राई और ज़ीरा ऐड कर दूंगी और हींग थोड़ी सी। हींग ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी और 2 सूखी लाल मिर्च को मैं बीच से तोड़कर ऐड कर दूंगी इसमें। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से तड़का लगने देंगे। और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम काफ़ी केयरफुली इसे दाल में ऐड कर देंगे। तड़का ऐड करने के टाइम पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि ये उड़ता है अपने ऊपर। तो यहाँ पर दाल को तड़का भी लग चुका है और हमारी ड्रमस्टिक दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। काफ़ी हेल्दी, काफ़ी डिलीशियस। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ड्रमस्टिक दाल को सर्व की थी ज़ीरा राइस के साथ। उसके साथ ही मैंने बनाई थी कैरी और पुदीने की चटनी, थोड़ा सा सैलड। और मैंगो का सीज़न है तो मैंगो तो मैंडेटरी है। आप भी इसी तरीके से डिलीशियस थाली रेडी करें और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।